हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शर्मी एंड मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसा एक होम रेमेडीज जिसको यूज करके आप इंस्टेंटली वाइटर, ब्राइटर एंड लाइटर स्किन पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन पे कुछ टैन है तो वो टैन को भी आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये एक फेस्टिव सीजन चल रही है एंड कुछ दिन पहले बहुत सारे फेस्टिवल गए हैं एंड सामने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाले हैं, वो है हम लोगों का दिवाली। एंड इस दिवाली पे आपको लगना चाहिए बहुत ही ब्राइटर, वाइटर, लाइटर एंड ग्लोइंग। एंड दिवाली के लिए आप में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट किए थे दिवाली के एक मेकअप वीडियो बनाने के लिए। मेकअप वीडियो तो दिवाली के एक दिन पहले भी आप देख सकते हैं, बट स्किन को ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि मेकअप तो हम लोग ऊपर से करते हैं बट अंदर से अगर हम लोगों का स्किन क्लियर नहीं रहते है, ग्लोइंग नहीं रहती है, तो मेकअप करने से कोई भी फायदा नहीं होगी। इसीलिए स्किन को ख्याल रखने के लिए मेरी आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आ गई। सो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरी आज का होम रेमेडीज है फुल बॉडी डिटेनिंग बॉडी स्क्रबर। ये स्क्रबर बनाने के लिए आपको लगेगा योगर्ट और दही, राइस फ्लोर और चावल की आटा, एक टमाटो एंड एक लेमन। एट फर्स्ट एक क्लीन बावल ले रही हूँ एंड देन उसके ऊपर एक क्लीन कपड़ा ले रही हूँ एंड देन उसके ऊपर योगर्ट को अच्छे से स्ट्रेन कर रही हूँ। कपड़ा की मदद से दही को स्ट्रेन करने से दही का पानी अलग हो जाती है। मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट और दही को इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मेरी टैन एरिया लाइक फेस, हैंड एंड पैर पे इसको यूज़ करूँगी, बट अगर आप फुल बॉडी पे इसको यूज़ करना चाहते हैं देन आप आपकी बॉडी के हिसाब से योगर्ट एंड अनदर इंग्रेडिएंट्स को ले लेना। उसके बाद मैंने इस पे सेम क्वांटिटी पे राइस फ्लोर को ऐड कर रही हूँ। देन मैंने इस पे एक मीडियम साइज का टमाटो का जूस ऐड कर रही हूँ एंड एक लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एंड तब तक मिक्स कर रही हूँ जब तक ना ये एक अच्छा क्रीम कंसिस्टेंसी पे आ जाए। एंड मेरी फुल बॉडी स्क्रबर इज रेडी। स्क्रबर को लगाने का आगे आप लुकवा मोटर से और गुनगुना पानी से नहा भी सकते हैं और मेरी दिखा हुआ प्रोसेस पे आप अफेक्टेड एरिया पे स्टीम भी कर सकते हैं। ये स्टीम बनाने के लिए आपको लगेगा एक गुनगुना पानी के बावल एंड देन उस पर आप एक टॉवल को भिगो के देन आपके स्किन पे और जहाँ जहाँ पे आपको अफेक्टेड एरिया है, जहाँ जहाँ पे टैंड है, वहाँ पे आप ऐसे स्टीम कर सकते हैं। मेरी फेस, हैंड एंड पैर पे थोड़ा सा टैन है, इसीलिए मैं इस स्क्रबर को मेरी हैंड, फेस एंड पैर पे यूज करूंगी। मैं इस स्क्रबर को मेरी फेस, हैंड, ईयर्स, नेक एंड पैर पे 3 से 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करूंगी एंड मसाज करने के बाद उसको 5 से 10 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपको नहीं मालूम कैसे फेस, नेक एंड ईयर को अच्छे से मसाज करते हैं देन आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी एक मसाज का वीडियो लाने के लिए। मेरी फेस, हैंड एंड पैर पे स्क्रबर लगाना कंप्लीट हो गई। अभी इसको ड्राई होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। आफ्टर 10 मिनट्स जब आपको लगेगा कि ये टोटली ड्राई हो गई है देन इसके ऊपर वाटर स्प्रे करके अगेन इसको मसाज देना है। ध्यान रखिए कि आपको नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर ही लगाना है एंड ये स्क्रबर को उठाने का टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि बार बार वाटर को स्प्रे करके भिगो के देन अच्छे से मसाज करके ये स्क्रबर को उठाना है। दैट मीन्स ये स्क्रबर को उठाने का टाइम आपको बहुत जेंटली मसाज करना है। एंड देन इसको वेट टॉवल से भी पोंछ सकते हैं और नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं।
एंड आप लाइव देख भी सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग हो गई एंड साथ ही साथ पूरी टैन भी रिमूव हो गई। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे क्योंकि ये वीडियो ना ही केवल आपकी स्किन को व्हाइटर, फेयरियर एंड ब्राइटर बना सकते हैं बल्कि ये सीजन चेंज की वजह से अगर आपके स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उनको भी ये इजीली क्योर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छे लगे देन ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड ये वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं देन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर अभी तक नहीं किए हैं देन इस पे क्लिक करके मेरे चैनल इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।